मेरे साथ इस समय आशीष केलकर साहब मौजूद हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर ये वन वे ट्रैक पे निफ्टी है इस समय, 8700 का लेवल आ गया, यहां से क्या और तेजी देखते हैं या फिर मुनाफा वसूली किससे लाओगे? नहीं, मैं अभी भी मेरा जो रुझान है वो मोमेंटम बुलिश मोमेंटम चालू है वो चालू ही रहेगा ऐसा मेरा मानना है। और मैं चार्ट के ऊपर अगर देखता हूँ तो 8790 के लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो फिलहाल जो लॉन्ग पोजीशंस निफ्टी में है उनको बनाए रखने की मेरी सलाह होगी। और नई पोजीशन अगर बनानी है तो यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए, लेकिन जिनकी लॉन्ग पोजीशंस है निफ्टी में 8790 का लक्ष्य हासिल होना चाहिए। लेकिन सर ये जिस तरीके से तेजी है, इट्स जस्ट वन वे ट्रैक, और देखिए किसी ने अगर शुक्रवार को पोजीशन बनाई होती तब उसको मुनाफा होता, आज की मार्केट जिस तरीके से ओपन हुई है, ऐसी मार्केट पे ट्रेड कैसे करना चाहिए? सी बेसिकली कैसा है कि एनालिसिस अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस ये जो है वो एंड ऑफ डे बेसिस पर ही होना चाहिए। तो हमारी जो पोजीशंस है ये शॉर्ट टर्म पोजीशंस नहीं होती, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म पोजीशंस नहीं होती है। तो हम डे एंड बेसिस पर जब हम एंट्री करते हैं मार्केट में तो वे बिलो हमें एंट्री का मौका मिलता है, तो ये जो गैप अप ओपनिंग जैसा मौका मिलता है तो उसकी वजह से हमें अच्छा खासे प्रॉफिट ही होते हैं, तो उसी तरह से निवेश करना ये मेरा सलाह रहेगा। चलिए ठीक है, कुछ स्टॉक्स में बात कर रहे थे यहाँ पर जहां पर आज मूव काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। एक स्टॉक देखिए दीपक नाइट्राइट, ये स्टॉक यहाँ से अभी और चल सकता है क्या, इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जिनके पास भी है उनको करने की सलाह होगी? इसका अगर हम चार्ट देखते हैं रजत जी तो एक अप फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन को इसने ब्रेकआउट आज मिलने की संभावना है, क्योंकि 108 के करीबन इसका प्राइस चल रहा है और अगर मैं सारे कंसोलिडेशन के टॉप देखता हूं तो वो है करीबन 103-104 के। तो डेफिनेटली आज 104 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर ये स्टॉक रहता है तो हमें अप फ्लैग का ब्रेकआउट मिलेगा और यहां से मैं मानता हूं कि ये स्टॉक करीबन 127-130 के और लेवल तक भी जा सकता है, तो होल्ड करें, यहां पे भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रिकमेंड करूंगा, 101 रुपए का स्टॉप लॉस और 130 रुपए का लक्ष्य लगा के चलना चाहिए। राइट, गायत्री प्रोजेक्ट्स इस स्टॉक पे क्या सलाह होगी? सर ये भी एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है और यहाँ से आज कहीं ना कहीं मोमेंटम बनता हुआ नजर आया, क्या ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है? बहुत समय से इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स नहीं देखे स्टॉक पे। राइट, यस डेफिनेटली, जिस तरह से फॉर्मेशन चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है तो इसमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट मिलने की संभावना है। 670 ये एक ऐसा लेवल होगा जिसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर अगर ये स्टॉक हमें मिलता है, अच्छे वॉल्यूम भी अभी हम देख रहे हैं तो 670 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर ये स्टॉक टिकता है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिला है और उस केस में इसका जो लक्ष्य है वो करीबन 730 रुपए का होगा, तो हमें ये पोजिशन कल लेनी होगी, आज इमीडिएटली नहीं, क्लोजिंग बेसिस पर चेक करना होगा। और इसके लिए जो मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करना चाहूंगा उस केस में वो होगा 650 का। चलिए ठीक है, और फिर से प्राइमरी मार्केट के रुख करते हैं क्योंकि आज एडवांस एंजाइम्स का आईपीओ खोला है और 896 इशू प्राइस था, 1210 पे लिस्टिंग हुई है, स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग कहूंगा, लेकिन ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट्स जो थी वो काफी मिक्स व्यूज प्रेजेंट कर रही थी। मेरे साथ पीयूष राठी साहब जुड़े हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एडवांस एंजाइम्स के। पीयूष सर बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स फॉर दिस गुड लिस्टिंग। ये जो रकम जुटाई है कंपनी ने उसमें कुछ फ्रेश इशू भी है और कुछ प्रमोटर्स ने भी यहाँ पर अपना स्टेक कम किया, एग्जैक्टली किस प्रोसेस के लिए कहां पर ये रकम इस्तेमाल करेगी कंपनी? सर कंपनी करीबन 50 करोड़ रेज कर रही है और ये 50 करोड़ में से 40 करोड़ जो फ्रेश इशू है वो अमेरिकन कंपनी की डेट रीपेमेंट के लिए जाने वाला है और 10 करोड़ बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा और बाकी इशू बनाने के लिए प्रमोटर्स को और कोटक प्राइवेट इक्विटी और बाकी शेयर होल्डर्स ने भी अपने शेयर्स जुटाए। राइट, ये प्रमोटर्स का हिस्सा जो है वो कितना डाइल्यूट होता हुआ नजर आएगा इस लिस्टिंग के बाद? इशू के पहले प्रमोटर्स के पास करीबन 80% था शेयर होल्डिंग और इशू के बाद अभी 64% हो जाएगा। सर अगर कारोबार के बारे में बात करें तो ग्लोबली कितना बड़ा कारोबार है, कंपनी की क्या रैंकिंग है और आने वाले समय के लिए क्या ग्रोथ देखते हैं आप? हाँ जी, कंपनी जो एंजाइम बिजनेस है वर्ल्ड ओवर ये करीबन $6 बिलियन का बिजनेस है और कंपनी टॉप 15 कंपनियों में है ग्लोबली इस फील्ड में और भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनी है, भारतीय सर्वश्रेष्ठ कंपनी है और नंबर 2 की कंपनी है मार्केट शेयर के तौर पे भारत में। और ये करीबन ये जो कारोबार है ये करीबन 7% से सालाना बढ़ते जा रहा है ग्लोबली विश्व के तौर पे और कंपनी को अच्छी बढ़त मिलती रही है।
पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है 14-15% की बढ़त रही है और इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। सर, कंपटीशन के बारे में क्या कहेंगे, क्या चाइना से कुछ बड़ा कंपटीशन कंपनी को फेस करने को मिल रहा है गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, कंपटीशन तो हर फील्ड में होती है, लेकिन हम जो काम करते हैं वो काफ़ी स्पेशलाइज करते हैं। हमारी जो फोकस है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स न्यूट्रिशन पे है, तो ग्लोबली हम लोग इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, जहाँ पे बाकी चाइनीज प्लेयर्स का इतना बड़ा रोल नहीं है। हमने थोड़ा डिफ्रेंसिएशन कर रखा है हमारे कंपनी में, तो कंपनी का जो USP है वो न्यूट्रिशन बिज़नेस है, तो करीबन 88% जो बिज़नेस है वो न्यूट्रिशन से आता है, उसमें करीबन 70-75% जो है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन से आता है। तो ये हमारी कंपनी के नीश, हमने एक स्ट्रेटजी हमने बनाई रखी है, और US मार्केट में भी हमारे काफ़ी बड़ी प्रेजेंस है न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट में, और इंडियन फार्मास्यूटिकल स्पेस में भी हमारी काफ़ी बड़ी प्रेजेंस है। तो इस तरह से भले ही कंपनियां भी कम है इस फील्ड में, ग्लोबली जो है ये अभी दूसरी कंपनी होगी लिस्टेड होने के लिए एंजाइम फील्ड में, और भारत की सर्वप्रथम कंपनी होगी ये लिस्टेड। राइट सर, लेकिन ये काफ़ी यूनिक स्पेस है जी। एक कंसर्न जो है, जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें ये है कि अमेरिका पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, आपकी जो आय आती है लगभग 40% के आसपास अगर मैं ठीक हूँ तो अमेरिकन बिजनेस से आती है। गोइंग फॉरवर्ड वहाँ पर कुछ अगर इकॉनमी इफेक्ट होती है तो बिजनेस पे क्या आप इम्पैक्ट मानते हैं? इट्स डिपेंडेंट ऑन अमेरिका ह्यूजली? ऑफकोर्स इट इज़ करंटली डिपेंडेंट। आज 55% जो है कंपनी का जो बिज़नेस है वो US से आता है, लेकिन फिर भी हमारा बिज़नेस जो है $25 मिलियन का जो बिज़नेस है US का वो काफ़ी अभी छोटा है, करीबन $2.5 बिलियन की है, तो हम तो अभी 1% ही है US बिज़नेस की, तो हमारे पास बहुत सारी रूम है अभी ग्रो करने के लिए, बहुत ऑर्गेनिक भी, और जो हमको मार्केट शेयर भी अगर किसी से लेना है तो हमारे पास बहुत सारी अभी जगह है इस मार्केट में ग्रो होने के लिए। और हम US के बाहर भी ऑलरेडी हम 50 देशों में ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम US के अलावा यूरोप, लैटिन अमेरिका, काफ़ी सारे मार्केट्स में हम ग्रोथ देखते हैं। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और लिस्टिंग पे बात करने के लिए। एक बार फिर से मुबारक हो आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग जो है वो इस बार एडवांस एग्जाम की होती हुई नजर आई। शुक्रिया अपना समय जीवन को देने के लिए। मार्केट्स पे लौटते हैं, आशीष जी साथ में जुड़े हुए हैं। 60 पॉइंट्स की बढ़त फिर से 8700 के लेवल को कहीं ना कहीं दस्तक दे रहे हैं। आशीष जी, दो स्टॉक बताएं आप जहां पर इस मार्केट पे तेजी बना सकते हैं। सर, पहला स्टॉक होगा इकोलैब्स, जहां पे मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा ₹505 का, और लक्स जो है ₹535 का रहेगा। और दूसरा जो स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है REC लिमिटेड, एक अच्छा खासा पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा ₹213 का, और लक्स जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 231 का। राइट, REC और साथ REC बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इनफैक्ट आज इसका ऊपरी स्तर पे थोड़ा दबाव में है, लेकिन फिर भी आप मानते हैं इसका में यहाँ पर तेजी बन सकती है। एक और स्टॉक देखिए, सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये स्टॉक कैसा लग रहा है सर? स्मॉल कैप स्टॉक लेकिन आज दमदार रिटर्न्स दे रहे हैं, 2016 के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, क्या यहाँ से सेल्जर अभी और चढ़ सकता है? यस डेफिनेटली, जिस तरह से मोमेंटम इस स्टॉक में आता हुआ नजर आ रहा है, रजत जी अगर हम पिछले कुछ दिनों के चार्ट फॉर्मेशन देखते हैं तो सारे के सारे स्टॉक में एक कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है, और कंसोलिडेशन के बाद जिन्होंने एक अच्छा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश की है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो उनको ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी मिलने की संभावना है, और वो आसार दिखाई दे रहे हैं चार्ट के ऊपर, तो इसीलिए मैं ओवरऑल मार्केट पर भी फिलहाल बुलिश हूँ, तो अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में भी आता हुआ नजर आएगा। 260 के ऊपर अगर ये स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आएगा तो, और फिर भी इसमें इतनी क्षमता है कि ये स्टॉक करीबन 287 तक जाने की संभावना है, तो जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करें, जिनके पास नहीं है वो अभी भी फिलहाल बाय कर सकते हैं। चलिए कुछ ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट्स देखते हैं। सुमित मेरे सहयोगी सुमित साथ मौजूद है, सुमित बताएं ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट्स में वैल्यूएशन के आधार पर पहला स्टॉक। शुक्रिया रजत, जो पहला शेयर चुना गया वो है महिंद्रा CIE का, कंपनी ऑटोमोटिव कारोबार के अंदर है, टाटा मोटर्स M&M कंपनी ग्राहक सूची के अंदर शामिल है, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, क्लाइंटल पाइपलाइन, और इस तिमाही के नंबर आ चुके हैं, Q2 कंपनी की थी इस तिमाही के अंदर कैलेंडर ईयर 2016 की, और उसके नंबर जो है वो अच्छे आए हैं, मार्जिन फ्रंट पर करीब 2-2.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है, और जो एक अच्छे मार्जिन आए हैं वो कंपनी की इनपुट कॉस्ट को ईज आउट करने की वजह से आए थे, एक अच्छे इनपुट कॉस्ट ईज आउट कंपनी ने किया सब्सटेंशियली, जिसकी वजह से कंपनी के जो मार्जिन है वो इंप्रूव होते दिखाई पड़े। दूसरा, मार्जिन के साथ साथ कंपनी जो एडिशनल क्लाइंट्स हैं यानी कि टाटा मोटर और जो M&M कंपनी क्लाइंट्स हैं उनके नए लॉन्चेस की वजह से या फिर प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से भी कंपनी के जो नंबर्स हैं उसमें कुछ सुधार आता हुआ दिखाई पड़ा। गोइंग फॉरवर्ड के लिए भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सही कंपनी नंबर्स दे रही है, सही प्रोडक्शन कंपनी कर रही है, एक अच्छी ग्रोथ आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ जो नए
लॉन्चेस ऑटो कंपनियां कर रही हैं लगातार, वहां से भी अच्छे आंकड़े आने की उम्मीद है। आईसीआई डायरेक्ट की एक रिपोर्ट को रेफर किया गया, उनका मानना करीब 225 रुपए तक की 40 शेयर आने वाले समय में दिखा सकता है। चलिए महिंद्रा सीआई पर आप नजर रखें, 225 का टारगेट है यहाँ पर। फंडामेंटल दिस इज द फेयर प्राइस जो स्टॉक का आंका गया रिपोर्ट के आधार पर, और फिलहाल 187 के लेवल पर काम काज कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक बताएं सुमित। दूसरे शेयर की बात करें तो वो फार्मा केमिकल स्पेस से आरती इंडस्ट्रीज को चुना गया है। एक अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद लगाई जा रही है, 10 अगस्त को कंपनी के नंबर्स आने, अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है, और करीब करीब अनुमान है कि शायद बेहतर नंबर कंपनी दे सकती है। स्पेशली एपीआई शिपमेंट जो है कंपनी के वो ऑल टाइम हाई पर है, और वो हो सकता है तेज ग्रोइंग जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उसे मेंटेन करें। कंपनी के जो स्पेशलिटी कारोबार है वहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, और फार्मास्यूटिकल कारोबार भी कंपनी का बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि बेंजीन के अंदर जो कमी आई है, जिसके दामों में कमी आई है, उससे कंपनी के स्पेशलिटी कारोबार के मार्जिन जो है वो और इंटैक्ट हो सकते हैं। क्रूड की कीमतें भी बहुत ज्यादा भागी नहीं है, सब्ड्यूड रही हैं, तो उसका भी इंपैक्ट कंपनी के बॉटम लाइन के ऊपर आता दिखाई पड़ेगा। रिसेंटली कंपनी ने कैफीन प्लांट नया शुरू किया, उसका भी इंपैक्ट कंपनी के वॉल्यूम्स के अंदर इस तिमाही से आना शुरू होगा, तो वो एक और अहम चीज इसके ऊपर नजर रखें। और दूसरा, लगातार कंपनी के शिपमेंट्स है स्पेशली यूएस मार्केट्स के अंदर वो इंप्रूव हो रहे हैं। इन्हीं चीजों को देखते हुए सीडी रिसर्च की रिपोर्ट को रेफर किया गया, उनका मानना 651 तक की चाल शेयर दिखा सकता है। चलिए आरती इंडस्ट्रीज पे नजर रखें, ये स्टॉक भी काफी एक्टिव हो सकता है फिलहाल 564 के लेवल पे। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। एक तो आशीष जी ये बताएं, मुथूट फाइनेंस और बजाज फाइनेंस पे क्या किया जाए? ये दोनों ही फाइनेंस कंपनियां जब से नतीजे आए तब से बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम में है। मुथूट फिलहाल 7% ऊपर 357 के लेवल पे, और बजाज फाइनेंस, इनफैक्ट बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही स्टॉक्स रिजल्ट्स के बाद दमदार रिटर्न्स दे रहे हैं। इन स्टॉक्स पे आपका व्यू? ओके, मुथूट फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसने करीबन 310 के लेवल पे ही हमें ब्रेकआउट दिया था, जो कि अफ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता हुआ ये स्टॉक है, तो ये जो बुलिश मोमेंटम है चालू रहेगा। लेकिन अगर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करते हैं तो हेवी वॉल्यूम्स के साथ गैप अप ओपनिंग के साथ ये स्टॉक खुला है, तो जिस तरह से ये डिमांड आता है तो ऐसे डिमांड के बाद थोड़ा सा करेक्शन होना वाइज होता है। तो मैं मानता हूं कि ये करीबन 357 ऑड के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, तो 365-370 लेवल तक ये जाने की संभावना है, उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन आएगा, लेकिन उस करेक्शन को डरने की जरूरत नहीं है, ये बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा ऐसा मानना है। तो जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करें, लेकिन नई पोजिशन लेने की मेरी सलाह मुथूट फाइनेंस में नहीं होगी। दूसरा स्टॉक आपने कहा था मुझे बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस का चार्ट भी अगर हम देखते हैं तो इसने भी करीबन 8900 के लेवल पे तीसरा ब्रेकआउट दिया है, उसके पहले कंटिन्यूअसली वो कंटिन्यूएशन पैटर्न के ब्रेकअप देते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है। तो फिलहाल ये जो मोमेंटम है ये भी जारी रहेगा ऐसा मानना है, लेकिन ये मोमेंटम जारी रहते वक्त बीच में जो करेक्शंस आते हैं, करेक्शंस एक ब्रीदिंग स्पेस होता है स्टॉक के लिए, तो ऐसे करेक्शन से डरना नहीं चाहिए। जिनके पास ये स्टॉक है होल्ड करें, नई पोजिशन लेने की सलाह अभी फिलहाल नहीं होगी। काफी ऐसे स्टॉक्स, इनफैक्ट मनापुरम फाइनेंस अब 85 के लेवल पे पहुंचा है। जो फाइनेंस कंपनी है मनापुरम, मुथूट, साथ ही साथ बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इन सभी स्टॉक्स में आज दमदार रिटर्न्स मिल रहे हैं। और कुछ स्टॉक्स जैसे कि हिंदुस्तान जिंक, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, इन स्टॉक्स पे आज मूव काफी शानदार देखने को मिल रहा है। राशि जी बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए, ट्रेडिंग आइडिया शेयर करने के लिए। मारुति की ऑटो बिक्री आए, फटाफट से वो आंकड़े देख लेते हैं। 12.7% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। जुलाई में कुल बिक्री 1.37 लाख यूनिट रही है। स्टॉक 1% ऊपर है अब 4800 के लेवल को पार करता हुआ। घरेलू बिक्री में 13.9% का इजाफा है, 1.25 लाख यूनिट Y&Y बेसिस पे। और जुलाई में एक्सपोर्ट्स जो है उसमें 0.3% की बढ़त रही है, आंकड़ा है 11338 यूनिट का। मिनी कार बिक्री में 7.2% का इजाफा है Y&Y बेसिस पे, 35051 यूनिट्स जो कंपनी ने बेची है। और कॉम्पैक्ट कार बिक्री जो है वो 4.1% बढ़ी है, 50,362 यूनिट। पर कुल बिक्री जो है वो 12.7% बढ़कर 1.37 लाख यूनिट रही है। उसके बाद 48 पॉइंट के गेन 4800 के लेवल को पार मारुति सुजुकी करते